प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां हो। हेलो दोस्तों, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल द गाइड एक्सप्रेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच में हम फिर जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, और जीव विज्ञान के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह होगा कि आज हम आपके बीच में जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी जीव विज्ञान की परिभाषा होगी और जीव विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी जीव विज्ञान की शाखा होगी, हम उस सभी शाखा और परिभाषा के बारे में हम आपके बीच में बिल्कुल भली भांति इस टॉपिक के बारे में क्लियर बताने का काम करेंगे। विज्ञान मेरे दोस्तों, यह जो टॉपिक है जीव विज्ञान का चैप्टर है, वो आपको महत्वपूर्ण जो SSCGD NTPC जो CBT 2 आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए ग्रुप डी का भावी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है उसके लिए, तथा अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक टॉपिक को पूर्ण वीडियो देखने का काम करेंगे, तभी जा करके आपको नॉलेज की प्राप्ति हो सकती है और आप अपने एग्जाम में, आप अपने परीक्षा में संपूर्ण रूप से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं एक महत्वपूर्ण कोट की तरफ, और उस मोटिवेशन कोट में आपके अंदर एक करंट अफेयर भी मिलेगा, और इस मोटिवेशन कोट के जरिए आपने एक तस्वीर जो देखी होगी, ये जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तस्वीर ये तस्वीर किसकी है? क्योंकि आप जाने होंगे कि हमारा देश भारत अभी 2020 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचा था। उसी के बाद फिर पुनः उसी जापान टोक्यो के अंदर पारा ओलंपिक का खेल हुआ था, और इसी पारा ओलंपिक के खेल में ये जो महिला है, यह महिला हमारे देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है, और इस महिला का नाम है अवनी लेखरा। दोस्तों, इस महिला का नाम है अवनी लेखरा। इस महिला का नाम क्या है? अवनी लेखरा नाम है इस महिला का, ठीक है। और इन्होंने 10 मीटर के एयर पिस्टल, 10 मीटर की एयर पिस्टल से, ठीक है, इन्होंने निशानेबाजी में एक क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसी चीज़ के साथ हम आपके बीच में अब चलता हूँ, ठीक, इसी चीज़ के साथ आपके बीच में मैं चलता हूँ मोटिवेशन कोट को लेकर के। क्या है? न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आपके भी सीने में आग लगनी चाहिए, आपके भी अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, आपको पढ़ने की एक जज्बा होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम उस जज्बे के साथ पढ़ करके हम प्रत्येक प्रतियोगिता लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा देती है। बात समझ में आई? क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज़्यादा देती है, इसीलिए दोस्तों जो भी काम करो वक्त के साथ काम करो। इसी चीज़ के साथ, मोटिवेशन कोट के साथ हम चलते हैं, है ना। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो इस बायोलॉजी को लेकर के हम आपके बीच में
चलेंगे, जीव विज्ञान को लेकर के चलेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान को लेकर के चलेंगे कि ये जीव विज्ञान क्या है। दोस्तों, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, क्योंकि विज्ञान को हम तीन भागों में बांटते हैं। विज्ञान को अगर हमको सिर्फ साइंस की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, साइंस की बात आ जाए, तो साइंस को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा क्या है, फिजिक्स है। दूसरा भाग हमारा क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। दूसरा भाग केमिस्ट्री है और तीसरा भाग हमारा क्या है, बायोलॉजी है। क्या है, तीसरा भाग हमारा बायोलॉजी है। और इसी तीन भाग में से ये जो भाग हम आपके बीच में लेकर आए हैं, ठीक है, ये जो भाग लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, और उसका नाम है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। क्या नाम है इसका, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस धरती पर जितना भी जीव जंतु है तथा जितना भी पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी के जीवन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का काम करते हैं। अर्थात जीव विज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक माध्यम है, जो हमें इस धरती पर जितना भी जीव और पौधे हैं उनके जीवन के बारे में क्या करवाता है, जानकारी प्राप्त करवाता है, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करवाता है। तो ये जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान की खोज अरस्तु नामक विद्वान ने किया था। जीव विज्ञान की खोज किसने किया था, अरस्तु नामक विद्वान ने किया था। और इस जीव विज्ञान शब्द का जो निर्माण हुआ था, इस जीव विज्ञान शब्द का जो निर्माण हुआ था, वो लैटिन भाषा के, किस भाषा के बाबू, लैटिन भाषा के दो शब्दों से। और वो दो शब्द कौन कौन थे, बायो प्लस लॉगी। वो दो शब्द कौन कौन है, बायो प्लस लॉगी। और इस बायो प्लस लॉगी जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसमें बायो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जीव होता है, और लॉगी का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। मतलब जीवों से संबंधित ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीवों से संबंधित ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक विद्वान ने किया था। इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक विद्वान ने किया था, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता जो होता है, जीव विज्ञान का जो पिता है, उस पिता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं। किसको जानते हैं, जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जानते हैं, हम लोग अरस्तु को जानते हैं। बात यहाँ समझ में आई, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग अर्थात बायोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान का पूर्ण रूप से खोज करने की जो बात आई, वह किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। इसीलिए अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जानते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा जूलॉजी। जीव विज्ञान का पहला भाग है क्या, जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला भाग क्या है, जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में समझेंगे कि यह जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान क्या है। तो जंतु विज्ञान, विज्ञान की अर्थात जीव विज्ञान की, जंतु विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग केवल ओनली जीव जंतु का क्या करते हैं, जीव जंतु के बारे में क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं। किस शाखा के अंतर्गत? तो जूलॉजी की शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, केवल जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। और जीव जंतु हमारे संसार में, हमारे इस धरती पे कितने हैं, तो 84 लाख जीव जंतु हैं। कितने हैं मेरे बच्चे? 84 लाख जीव जंतु हैं। और इन सबका हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं? जूलॉजी में करने का काम करते हैं, अर्थात जंतु विज्ञान में इनका अध्ययन हम लोग करते हैं। जंतु विज्ञान का पिता भी कोई और नहीं बल्कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु ही है। मतलब ए कि विज्ञान का अर्थात बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु, और जंतु विज्ञान का मतलब जूलॉजी का भी पिता कौन है? तो अरस्तु ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीव विज्ञान के दूसरे पार्ट पे। जीव विज्ञान का दूसरा भाग है बॉटनी। जीव विज्ञान का दूसरा भाग क्या है? बॉटनी है, अर्थात इसका अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? तो वनस्पति विज्ञान इसी जीव विज्ञान की अर्थात बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिस शाखा में केवल पेड़ पौधों के जीवन के बारे में क्या किया जाता? अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों के जीवन के बारे में क्या किया जाता? अध्ययन किया जाता। किसमें? तो वनस्पति विज्ञान में, मतलब बॉटनी में। हम लोग जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में जिस किसी का भी अध्ययन करते हैं तो वह शाखा कौन है? बॉटनी शाखा कहलाता है, मतलब वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता हम लोग किसे कहते हैं बाबू? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता। और थियोफ्रेस्टस ने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो ह्यूमन की तरह, वह जंतु की तरह ही क्रिया करते हैं, बशर्ते अंतर बस इतना है कि हम लोग एक दूसरे पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, जबकि पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, मतलब वो स्वपोषी होते हैं। तो यह बॉटनी है, और हमने इससे पहले बताया आपको जूलॉजी। तो ये दोनों के बारे में हमने जानकारी लिया, ठीक है। और आपको पिछले वीडियो में हमने दिया था जीव विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक नाम। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे द गाइड एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप उसे सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे मेरे दोस्तों, ये तो हुआ है आपके बीच में, अब हम चलेंगे कि जीव विज्ञान की अनेक शाखा क्या होगी। क्योंकि यहाँ जो आपके बीच में दिया है, ये जो कोट दिया है, ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण अध्ययन, तो जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखा होगी और उस शाखा में हम लोग किसका किसका अध्ययन करने का काम करेंगे। तो हम चलते हैं जीव विज्ञान की पहली शाखा में, है ना। तो जीव विज्ञान की पहली शाखा कौन है मेरे बच्चे? तो मॉर्फोलॉजी। कौन है? मॉर्फोलॉजी। अब हम देखेंगे कि इस मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। ये जीव विज्ञान की शाखा है, ये जीव विज्ञान की क्या हुई? जीव विज्ञान की यह क्या हुआ? शाखा हुआ। जीव विज्ञान का यह क्या हुआ? शाखा हुआ। कौन? मॉर्फोलॉजी। और हम लोग चलेंगे कि मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो जरा आप देखें, मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो मॉर्फोलॉजी में जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बाहरी अंग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मॉर्फोलॉजी में जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बाहरी अंगों का अध्ययन किया जाता है। किस शाखा में? मॉर्फोलॉजी में। मतलब क्या? बाहरी अंग कौन है? बाल है, नाखून है, त्वचा है, ये सब हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, बाहरी अंग होता है, उसका हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं मेरे बच्चे? मॉर्फोलॉजी में करते हैं। पेड़ पौधों का पत्तियां है, तना है, ये सब जो अंग होते हैं पौधों के, उन बाहरी अंगों का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग अगला चलते हैं शाखा में, जिस शाखा का नाम है एनाटोमी। और एनाटोमी में किसका अध्ययन किया
किया जाता है तो यह मार्फोलॉजी के जस्ट अपोजिट है। क्या? तो इसमें जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। एनाटोमी में जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक अंग मतलब क्या? नोजल कैविटी है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, बात हमारी समझ रहे हैं, इंटेस्टाइन है, ये सब के सब जो आंतरिक अंग होते हैं उनका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो एनाटोमी में करने का काम करते हैं। अब हम एनाटोमी के बाद चलते हैं आपका तीसरा, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है, है ना? तो इस कोशिका इस जीव विज्ञान की शाखा में अर्थात साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं अर्थात कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किस शाखा में? साइटोलॉजी की शाखा में। अगला हम लोग शाखा चलते हैं और अगले शाखा का नाम है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? तो हिस्टोलॉजी में हम लोग उत्तकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? उत्तकों का अध्ययन करते हैं। और उत्तक कैसे बनते हैं? तो हमने आपको बताया होगा एक कोशिका असंख्य कणों के रूप में कोशिका, और कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है, बस उनमें। और इन उत्तकों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिंटोलॉजी। तो पॉलिंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? तो पॉलिंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पॉलिंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चे? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ये जीवाश्म होते क्या हैं? इनकी अंग्रेजी होती है फॉसिल्स। जीवाश्म की अंग्रेजी होती है क्या? फॉसिल्स होती है। और जीवाश्म का अध्ययन किस में किया जाता? तो पॉलिंटोलॉजी में किया जाता। तो जीवाश्म क्या होते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा जो मर करके गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, और उसके पश्चात जो उनका अवशेष प्राप्त होता है उसी को हम लोग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो इनका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? पॉलिंटोलॉजी में करते हैं। बात समझ में? अगले भाग में हम लोग चलते हैं नोट में। इसी पॉलिंटोलॉजी के नोट में हम लोग चलते हैं, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के जीवाश्म के उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति से क्या किया जाता है? लगाया जाता है। मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी जीव मर चुका है, उसका अवशेष जीवाश्म प्राप्त हुआ, तो उसके उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा में है कि चट्टान तथा मिट्टी के जीवाश्म के उम्र का पता। ठीक है, इसमें जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के जीवाश्म के उम्र का पता, जबकि दूसरे में चट्टान तथा मिट्टी के जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग यूरेनियम पद्धति का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बस समझे? अब चट्टान, तो चट्टान जैसे हिमालय पर्वत है, तो उसके उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो यूरेनियम पद्धति का प्रयोग करेंगे। और इसके प्रयोग से हमें यह पता चल पाएगा कि हिमालय पर्वत कितने वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले यहाँ पर उपस्थित है और इसकी उम्र क्या है। बस समझे? ठीक है, तो ये जो कार्बन 14 पद्धति है, इस कार्बन 14 पद्धति को, कार्बन 14 पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहा जाता है। किस पद्धति को? कार्बन 14 पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और यूरेनियम जो पद्धति है, ये यूरेनियम जो पद्धति है, इस यूरेनियम पद्धति का दूसरा नाम रेडियो पद्धति भी कहा जाता है, मतलब रेडियो पद्धति भी होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, अगली शाखा में चढ़ते हैं। और अगले शाखा का नाम है पेट्रोलॉजी। क्या नाम है? अगली शाखा का नाम क्या है बाबू? पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? तो इसमें चट्टान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता? इसमें चट्टान का अध्ययन किया जाता, मतलब पर्वत क्या है, पत्थर क्या है, चट्टान क्या है, चट्टानें बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ग्रोथ करती है कि नहीं करती है, इन सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? पेट्रोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं
हैं अगली शाखा में, जिस शाखा का नाम है पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है कि मिट्टी क्या होती है, कौन सी मिट्टी कैसी उपजाऊ होती है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी जरूरत है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, सबका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, पेडोलॉजी में। बस समझ में आई। अगली शाखा में हम चलते हैं और अगली शाखा का नाम है हाइड्रोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बाबू, जल का अध्ययन करते हैं, पानी का, वाटर का अध्ययन करते हैं। और इस जल में हम लोग पढ़ते हैं कि जल का अध्ययन कर लेते हैं कि जल क्या होता है, जल का निर्माण किन दो तत्वों के योग से होता है, जल हमारे शरीर के लिए कितना काम करता है, सबका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, तो हाइड्रोलॉजी में करने का काम करते हैं। अगली शाखा में जब हम चलते हैं तो अगली शाखा का नाम है टैक्सोनॉमी। अगली शाखा का नाम क्या है बाबू, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता, तो इसमें जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के किसका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता, मतलब ए कि जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया, पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया, इन सबके अध्ययन करने का काम हम लोग किस शाखा में करते हैं, तो टैक्सोनॉमी में। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अगली शाखा में टॉक्सिकोलॉजी में। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग, ठीक है, इसमें जौहर का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ पॉइजन, किसका स्टडी ऑफ, इसमें स्टडी ऑफ पॉइजन मतलब इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है कि जहर क्या होता है, जहर से कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन सा जहर कितना क्षमतावान होता है, इन सबके बारे में हम लोग जो अध्ययन करने का काम करते हैं वो किस में, टॉक्सिकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अगले हम लोग शाखा में चलते हैं जीव विज्ञान की, और अगला शाखा का नाम है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर, और इस कैंसर का अध्ययन किया जाता है, और कैंसर के बारे में यह पता किया जाता है कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर क्या होता है, ठीक है, स्तन कैंसर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करने का काम किस शाखा में करते हैं, तो ऑन्कोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अगले हम लोग शाखा में चलेंगे जिसका नाम है फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो शैवाल का किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का मतलब अलगी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चे, अलगी का, शैवाल का अध्ययन किया जाता है कि शैवाल क्या होते हैं, शैवाल कौन से शैवाल को पशु पक्षी खाते हैं, कौन से शैवाल को हम लोग अपने यूज में लाते हैं, इन सबका अध्ययन किस में किया जाता, तो फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगले हम लोग टॉपिक पर चलेंगे, अर्थात इस शाखा पर चलेंगे जिस शाखा का नाम है माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो कवक का अध्ययन किया जाता, ये फंगी का अध्ययन किया जाता। और आप जानते हैं कि फंगी के रूप में मशरूम भी होता है, या मशरूम भी एक कवक होता है जिसमें 80 से 90 प्रतिशत क्या पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आई, जिसमें 80 से 90 प्रतिशत क्या पाया जाता है बाबू, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये फंगी कवक लाभदायक भी होते हैं और यही कवक हानिकारक भी होते हैं, और इनके बारे में जो अध्ययन होता है वो कहाँ करते हैं, तो माइकोलॉजी में करते हैं। हम लोग अगली शाखा पर चलते हैं और अगली शाखा का नाम है ऑर्निथोलॉजी। अगली शाखा का नाम क्या है मेरे बच्चे, ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षी का अध्ययन करते हैं, मतलब बर्ड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं कि पक्षी कौन सी होती है, पक्षी क्या करती है। बस समझ में आई,
आगे हम चलते हैं अगली शाखा में, और अगली शाखा का नाम है हमारा क्रेनोलॉजी। और क्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो दिमाग का अध्ययन किया जाता है, मतलब ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बाबू, ब्रेन का, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क के प्रकार कितने होते हैं, मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों पर कैसे कंट्रोल करता है, इन सबकी तैयारी, इन सबकी जानकारी हम लोग अध्ययन करने का काम किसमें करते हैं, क्रेनोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे, इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो फिश का अध्ययन करते हैं, मतलब मछली का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू, मछली का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि मछली क्या होती है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता, तो मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए भी पाया जाता, विटामिन डी भी पाया जाता है, मतलब उनके पूरे बारे में अध्ययन करने का काम हम लोग इथियोलॉजी में करने का काम करते हैं। अगली शाखा में हम लोग चलते हैं, और अगली शाखा का नाम है ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो बोन का, मतलब हड्डी का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, हड्डी का अध्ययन किया जाता, कि हड्डी क्या है, हड्डी किस किस पदार्थ से, तत्वों से बनता है, और हड्डी कितने प्रकार की होती है, बात समझ में आई। इन सबकी हम लोग जानकारी किस शाखा में करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। अगली शाखा के बारे में हम लोग चलेंगे, और अगली शाखा का नाम है कार्डियोलॉजी। क्या नाम है बाबू, कार्डियोलॉजी नाम है। और कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन किया जाता है, मतलब हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है, और हार्ट कैसे लब डब के रूप में धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब हृदय के पूरे जानकारी को हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में अध्ययन करने का काम करते हैं। अगली शाखा में चलते हैं, और अगली शाखा का नाम है हर्मेटोलॉजी, ठीक है। और हर्मेटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो ब्लड का अध्ययन करते हैं, मतलब रक्त का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो रक्त का, मतलब ब्लड का अध्ययन करते हैं, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता, ब्लड हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड की मात्रा हमारे बॉडी में कितनी होती है, तो पूरी की पूरी जानकारी हम लोग किस शाखा में लेने का काम करते हैं, हर्मेटोलॉजी में। अगली हम लोग पंक्ति में चलते हैं, और अगला हमारा शाखा है, जिस शाखा का नाम है आपको एपिकल्चर। जिस शाखा का नाम है हमारा क्या, एपिकल्चर, मतलब एपिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बाबू, तो एपिकल्चर में हम लोग अध्ययन करने का काम करते हैं मधु उत्पादन के लिए मधुमक्खी का अध्ययन, मतलब मधु उत्पादन के लिए, मधु को उत्पादित करने के लिए मधु को हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। और किस शाखा में, तो एपिकल्चर में, ठीक है। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं, अगली शाखा में, जिस शाखा का नाम होगा सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं बाबू, तो सेरीकल्चर में हम लोग रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं, मतलब रेशम का उत्पादन कैसे होगा, रेशम से सारे वस्त्र कैसे बनेंगे, कपड़े कैसे बनते हैं, उसका हम लोग अध्ययन सेरीकल्चर में करते हैं। अगली शाखा में हम लोग चलते हैं, और अगली शाखा का नाम है पिसिकल्चर, है ना। और पिसिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं बाबू, तो पिसिकल्चर में मत्स्य उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मतलब मछली को कैसे उत्पादित किया जाता, मछली के लिए कौन से चारे का प्रयोग किया जाता है, कौन सी मछली बेहतर होती है, उसके अध्ययन को हम लोग करने का काम करते हैं, कहाँ पे, तो पिसिकल्चर में, ठीक है। अगले हम लोग शाखा में चलते हैं, जिस शाखा का नाम है हॉर्टिकल्चर। जिस शाखा का नाम है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो इसमें बागवानी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मेरे बच्चे, इसमें बागवानी का अध्ययन किया जाता है। तो बागवानी क्या है, आप सभी ने समझा होगा कि बागवानी में सारे पौधों का क्या होता है, अकाउंट होता है, सारे पौधे उसमें एकत्रित होते हैं, पौधों का भंडार होता है, उसी को हम लोग बागवानी के नाम से जानते हैं। वो चाहे पौधा हो, वो चाहे फूल हो, ठीक,
ठीक है, वो चाहे फल का हो जो भी हो, उसका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में करते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे शाखा पे, जिस अगली शाखा का नाम है अर्बोलिकल्चर। और अर्बोलिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जमीन पर लतरने वाले साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। क्या? जमीन पर लतरने वाले साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे कि आपको लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, ठीक है, करेला हुआ, है ना, ये सब के सब जितने भी, है ना, जितने भी साग सब्जी हैं, उन सब का हम लोग जो जमीन पर लतरते हैं, फैल करके उस पर क्या करते हैं, वो निर्मित होते हैं, उसका अध्ययन हम लोग अर्बोलिकल्चर में करने का काम करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, और अगला हमारा शाखा है क्या, विटीकल्चर। अगला हमारा शाखा क्या है बच्चे, विटीकल्चर। और विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, ठीक। और अगली शाखा का नाम है मैरीकल्चर। अगली शाखा का नाम क्या है, मैरीकल्चर। और मैरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो समुद्री जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि वैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर निर्मित होते हों, समुद्र के किनारे पर निर्मित होते हों, उनका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, तो मेरी कल्चर में करने का काम करते हैं। अगली पंक्ति में हम लोग चलेंगे, और अगला हमारा है शाखा पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है ना। कोई भी फल हो, आम का फल हो, नींबू का फल हो, ठीक है, आंवला का फल हो, जामुन का फल हो, सेब हो, संतरा हो, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, पोमोलॉजी में करने का काम करते हैं। अगले हम लोग शाखा पर चलते हैं, जिस शाखा का नाम है वर्मीकल्चर। क्या नाम है, वर्मीकल्चर। तो वर्मीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वर्मीकल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता। केचुआ पालन है, केचुआ को कैसे पाला जाता है, केचुआ हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, तो नोट में जो आपके बीच में यहाँ पर मैं दिया हूँ, वो आप समझ पाएंगे कि ये नोट के अंतर्गत केचुआ हमारे लिए, अर्थात केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता, मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे मिट्टी को भुरभुरा बना करके क्या कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। ये जो केचुआ होते हैं, वो हमारी मिट्टी को भुरभुरा बना करके क्या बना देते, उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, अब केचुआ के बाद हम लोग अगले पर चलेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोफोनिक्स, है ना। तो हाइड्रोफोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता, तो इसमें जल में होने वाले कृषि का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता, तो जल में उगने वाले कृषि का अध्ययन किया जाता है, है ना। तो जल में कौन से, साधारणतः जो अभी का हमारा मौसम है, अभी का हमारा जो सीजन है, और वह सीजन कौन सा है, तो धान का सीजन है। और धान किस में उगता है, तो बच्चे मेरे धान जल में उगता है। तो धान का हम लोग अध्ययन कहाँ पर करते हैं, हाइड्रोफोनिक्स में करते हैं। आगे हम चलते हैं, और हमारा अगला है शाखा फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है, कि फूल क्या है, परागकण क्या है, फूल से कैसे परागकण होता है, उससे कैसे फल निकलते हैं, इन सब का हम लोग अध्ययन करने का काम किस में करते हैं, तो फ्लोरिकल्चर में करते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तो इन्हीं शाखा तथा शाखा के अंदर अध्ययन किए जाने वाले जो पार्ट थे, वो हमने आपके बीच में लेकर के आया। अब हम आपके बीच में यह जानकारी आपके समक्ष देना चाहूँगा, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के, ठीक है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के, ताकि आप सभी को यह पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया, हमारे द्वारा जो आपको बताया गया, वो आप प्रश्न के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे उसको सोल्व कर पाते हैं। तो आप आगे हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर ले जाना चाहता हूं, जो आपके अंदर इस प्रकार है। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, अब उसको हम लोग सोल्व करेंगे और आप भी जरा देखेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपके पास
ए रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। और हम उसी शाखा के अध्ययन के बारे में हम आपको अभी तक इसके बैक में पूरे डिटेल्स बताया है कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर पर चलेंगे, जरा आप भी सोच लें कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो साइटोलॉजी होगा। ठीक है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता कोशिका विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता, तो साइटोलॉजी में किया जाता। अगर मार्फोलॉजी की बात आ जाए ए वाला ऑप्शन में, तो इसमें हमारा बाहरी अंग का अध्ययन किया जाता है। किस अंग का, बाहरी अंग का अध्ययन किया जाता है। चौथे में डी का ऑप्शन जब आ जाएगा, तो हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका, उत्तकों का अध्ययन किया जाता। अगर बी की बात आ जाती है, तो बी वाले ऑप्शन का हमारा सॉल्यूशन होगा कि इसमें आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। कौन से अंगों का, आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, एनाटॉमी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरा सेकंड पे। और दूसरा है, जीव जंतु तथा पेड़ पौधा के आंतरिक अंग का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ठीक है, आंतरिक अंगों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो आप जरा देख लें, पहले इसका हम लोग आंसर ले लें। तो आंसर हमारा क्या है, बी है, एनाटॉमी है। आप पोलिंटोलॉजी में आप जाएंगे, तो पोलिंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन हो जाएगा। किसका अध्ययन हो जाएगा, जीवाश्म का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी में जाएंगे, तो आपकी शाखा में हमने बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, तीसरा क्वेश्चन लेकर के आए। और तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये है, फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ए है फ्लोरिकल्चर, बी है विटीकल्चर, सी है पिसिकल्चर, डी है अर्बोलिकल्चर। तो जरा आप समझें, फलों का अध्ययन किस में, तो आपको फ्लोरिकल्चर में हमारा ए अध्ययन हो गया। ठीक है, विटीकल्चर आएगा, तो विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, मत्स्य उत्पादन का अध्ययन किया जाता। किसका, मत्स्य उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और अर्बोलिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो अर्बोलिकल्चर में डी का जो आंसर होगा वो जमीन पर लता नहीं, इसमें बागवानी का अध्ययन किया जाता है। अर्बोलिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, बागवानी का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर जो इस प्रश्न का होगा वह फ्लोरिकल्चर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन और या सॉरी क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ए ऑप्शन है मछली, बी में है केचुआ, सी में है मधुमक्खी तथा डी में है अंगूर उत्पादन। तो आप सभी ने देखा कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो मधुमक्खी पालन का, सॉरी पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो मछली मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका ये फाइव रहा, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्या क्वेश्चन हमारा है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ए है कैंसर, बी है जहर, डी है शैवाल और सी है कवक। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी में मेरे दोस्तों कैंसर का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, कैंसर। ऑन्कोलॉजी में किसका आंसर किया जाता है अध्ययन, कैंसर का किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। और अंत वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, जंगल की रानी, बात समझ में आई, मोर, मोर का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ए है फ्लोरिकल्चर, बी है पाओक्रिस्टस, सी है पिसिकल्चर, डी है सेरिकल्चर। तो आप जरा समझे, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया था, तो फूलों का। ठीक है,
पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया था, तो मत्स्य उत्पादन का। सेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया था, तो रेशम उत्पादन का। तो मेरे बच्चे, हमारा आंसर एक अलग निकल करके क्या आया, हमको तो पूछा है किसका, मोर का। तो मोर का हम लोग अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो पाओ क्रिस्टस में करते हैं। मोर का हम लोग अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो पाओ क्रिस्टस में। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, बी आंसर हुआ। बात समझ में? तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ हम आपके बीच में समाप्त करता हूं। बहुत कम समय में आप सभी के बीच में हम लोग प्रत्येक टीचर लाइव आने वाले हैं, और आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी करते जाएं, और पूरे वीडियो को देखने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।